नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कोर्स का रहेगा। ये वीडियो एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है। ये एजुकेशनल प्लस इंफॉर्मेशनल बोथ टाइप का वीडियो रहेगा। जो लोग अपने किन्हीं कारणवश आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या मनी प्रॉब्लम की वजह से, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है। बने रहें वीडियो के साथ आखिरी तक। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन आपने ढंग से स्टडी नहीं किया है मार्केट को। मार्केट में आप देखेंगे कि मार्केट में ज़्यादातर जॉब आज जो अवेलेबल है वो सिर्फ फील्ड सेल्स से रिलेटेड ही अवेलेबल है। फील्ड सेल्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ज़्यादातर कंपनियां इन्वॉल्व रहती हैं। कोई भी नई कंपनी आती है जो अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना चाहती है या उसकी सेल बढ़ाना चाहती है, तो उनको फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं, सबसे पहले क्या है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव और क्या रहेगी इसके लिए एलिजिबिलिटी जॉब करने के लिए। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव एक ऐसा किसी भी कंपनी का सबसे लोवेस्ट लेवल का एम्प्लॉय होता है, जो मार्केट में जाकर डिफरेंट, जैसे रिटेलिंग हो गया, डोर टू डोर सेलिंग हो गया, प्रोडक्ट सेलिंग में काम करता है। फील्ड सेल्स जिस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे वो सिर्फ रिटेल सेलिंग से सेगमेंट से रिलेटेड रहेगा, और बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। रिटेल सेलिंग से अगर हम बात करें, आपने जितने भी रिटेल काउंटर या ग्रोसरी स्टोर आपने जितने भी देखे हैं, बेकरी शॉप्स वगैरह, वो रिटेल काउंटर कहलाते हैं। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी का कैटलॉग्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी भी कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल होते हैं। क्या प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या रिटेलर्स को उसका बेनिफिट होने वाला है। रिटेलर्स के पास जाकर फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव उनसे ऑर्डर लेके आता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोवाइड कराने से नेक्स्ट डे उनकी सप्लाई की जाती है। ये एक बेसिक ब्रीफिंग की गई है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे एक एज ए कम्प्लीट कोर्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन कौन कर सकते हैं फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब और इसका कोर्स। इसके लिए हम कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा, मार्केट की 100 में से 50 जॉब आज के टाइम सिर्फ फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की ही अवेलेबल है। तो ये वीडियो हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज से है, ताकि उन लोगों को इंटरव्यू क्लियर करने में इश्यू ना आए जो फर्स्ट टाइम या फ्रेशर हैं और सेल्स से रिलेटेड इंटरव्यू देने के लिए आज मार्केट में या कहीं पर जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं। सबसे पहले कि कौन कौन इस जॉब को कर सकता है। इस जॉब को 8वीं पास के बाद कोई भी पर्सन इस जॉब में इन्वॉल्व होकर अपना काम कर सकता है और अपना करियर बना सकता है। 8वीं पास मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज अगर कोई आदमी 8वीं पास है, उसकी एज अगर 18 साल से ज़्यादा है, तो वो इस जॉब को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर जिन लोगों ने पहले 8वीं पास की होगी, उनकी एज एक्यूरेट होगी, जिसकी वजह से वो इस फील्ड में आकर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। इस जॉब के कुछ बेसिक मिथ भी हैं, क्योंकि सेल्स में हर कोई जाना नहीं चाहता। सेल्स में सभी को लगता है कि बेचना बहुत मुश्किल है, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, उनकी सेल्फ इमेज खराब होती है, लोग सेल्समैन को गलत निगाहों से देखते हैं। ये जो वीडियो है ये इन सभी मिथ को कंप्लीट अवॉइड कर देगा, दूर कर देगा, जिससे कि आप सभी फील्ड सेल्स की जॉब में आकर अपने करियर को बना सकें। और हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं। एक ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा, ताकि आपको फील्ड सेल्स से रिलेटेड जॉब ढूंढने में आसानी रहे, क्योंकि उस ग्रुप में हम डेली जॉब पोस्ट करते हैं और आपको जॉब इजीली प्रोवाइड होगी नज़दीकी एरिया वाइज। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बेसिक डिटेल्स से, कम्प्लीट डिटेल्स के साथ। जिस आदमी की एज 18 साल से ज़्यादा है, वो आदमी फील्ड सेल्स की जॉब को कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल मैथमेटिक्स, पीसीएम से रिलेटेड कोई हैवी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको। सेल्स को अगर हम बेसिकली बात कहें, ऐसा काम जिसमें आपको कुछ बेचना होगा, बेचना भी बहुत आसान होता है। वो सिर्फ कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स ही होते हैं जिनका यूज़ करके आप आसानी से बेच सकते हैं और एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं और आप एक बेहतरीन सैलरी पा सकते हैं। जिस आदमी को 8वीं पास है, 10वीं पास है, और वो चाहता है कि मैं फील्ड सेल्स में आकर अपना करियर बनाऊं, वो फील्ड सेल्स में आकर सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करे कि उसे बेचना होगा। और इट इज़ ए मैंडेटरी प्रोसेस।
आप ये भी नहीं कह सकते कि ये आप ही काम कर रहे हैं, आपने जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या कोई और भी पर्सन है किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो वहां पर अपना टाइम शेयर कर रहे हैं, उस टाइम के अगेंस्ट में अपनी स्किल बेच रहे हैं, उसके अगेंस्ट में उनको पैसा दिया जाता है। तो सेल्स का ये सबसे पहला मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ भी बेचना हर कोई बेचता है, आपको भी बेचना आना चाहिए, बेचने से शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले मिथ को हमने आज क्लियर कर दिया, दूसरे मिथ की बात कि इसके लिए बेहतरीन पढ़ाई होनी चाहिए, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश आपके लिए प्रेफर सपोर्ट करती जरूर है लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप जो सेल करेंगे वो अपने नज़दीकी एरिया में करेंगे, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज पे पकड़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्सनल रिलेशन रिटेलर के साथ इस्टेब्लिश होगा वो सिर्फ आपके पर्सनल लैंग्वेज के बेसिस पे ही होगा। आपको ज़्यादा कोशिश करना चाहिए पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग करने पे कि कैसे उसके साथ रिटेलर के साथ या लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा करें और उनसे बॉन्डिंग बनाई जा सके। अब बात करते हैं हम सिस्टमाइज वे से कि कैसे आप इस जॉब में आ सकते हैं और कैसे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। आप देखेंगे, आप किसी भी जॉब पोर्टल को सर्च कर सकते हैं, आप उसमें फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब को सर्च करेंगे अप्लाई करने के लिए तो आपको ढेर सारी जॉब अवेलेबल हो जाएंगी, उसमें आप अप्लाई कीजिए। इवन इसमें आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, बोथ के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपकी सैलरी हाइक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो आप इतना ध्यान रखें कि आप कभी खाली नहीं बैठेंगे और आपको हमेशा ही जॉब अवेलेबल मिलेगी। बस ये जॉब उन लोगों के लिए है जो मेहनत करने से नहीं घबराते, अगर आप मेहनत करके अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं तो सेल्स से बेटर कोई लाइन नहीं है। जी हाँ, इंदिरा नूई, आपने नाम सुना होगा, पेप्सिको की हेड, वो उन्होंने भी फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव से ही काम स्टार्ट किया था, जो आज हाईएस्ट पेड, जिनकी सैलरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। आप ज़्यादातर जितनी भी बड़ी कंपनी है, Fortune 500 कंपनी, उनके मैक्सिमम के जितने भी सीईओस हैं वो सेल्स लाइन से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए कोशिश करें इस लाइन को सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं, अपने आप में कोई हेजिटेशन ना रखें कि ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, बेसिक ये आपकी बात जायज है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि मुझसे नहीं होगा। किसी भी को काम को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मेंटल लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ, हाँ इसके टिक्स एंड ट्रिक्स मैं सीख सकता हूँ। जैसे ही आप फील्ड जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो एक गिवन टाइम पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, वो टेलीफोनिक भी हो सकता है, डायरेक्ट फेस टू फेस मीट पे भी हो सकता है। ये जो वीडियो है ये फ्रेशर्स से रिलेटेड है ताकि फ्रेशर्स को एक अच्छी सपोर्ट मिल पाए, उनको पता चले कि कैसे एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब पाई जा सके आसानी के साथ। जैसे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, सबसे पहले आपका RSM लेवल पे या फिर आपका SO लेवल पे इंटरव्यू होगा, आपके जो आपसे अपर लेवल पे जो पर्सन होंगे, जो आपसे सीनियर होंगे, उनको SO बोला जाएगा, सेल्स ऑफिसर, और उनसे जो अपर लेवल होगा वो होगा ASM लेवल, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। मान लेते हैं एक कंपनी है ए, वो अपना कुछ प्रोडक्ट लेकर आई है और आप वो चाहती है कि मेरा पूरा पूरा प्रोडक्ट आप मार्केट में जाके सेल करें, उसके लिए वो फ्रेशर को भी हायर करती है और एक्सपीरियंस को भी, दोनों को। अब बात करते हैं फ्रेशर के लिए, फ्रेशर पर्सन से जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू कुछ बेसिक डिटेल ही पूछी जाएगी, कोई ज़्यादा क्रिटिकल इंटरव्यू नहीं होता, कि आपको बेसिक मैथ की नॉलेज है, क्योंकि आपको जो स्कीम बताई जाएगी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको वो रिटेलर को बतानी है और उसी के अगेंस्ट में आपको ऑर्डर लेके आना है, ऑर्डर आपको डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, डिस्ट्रीब्यूटर उसके अगेंस्ट में ऑर्डर को इनवॉइस बनाएगा, नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी कराएगा और वो पेमेंट कलेक्ट करेगा। आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज इंग्लिश की नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं कि आपको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा फ्लुएंस होना चाहिए, आपको बेसिक जो अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में है आप उसकी थोड़ी अच्छी पकड़ लगे, क्योंकि रिटेलर के पास जाएंगे तो आप उनसे अपने जनरल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू, इंटरव्यू में इतना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, उसके लिए आपको बस बेसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्कीम्स वगैरह के बारे में, जो कंपनी न्यू आ रही है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करें कि ये कंपनी क्या बेचना चाह रही है, इनका इनका सर्कल किस तरह का, इनका किस हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो सकता है। सिंपली अगर हम बात करें जैसे पार्ले जी बिस्कुट की, सभी प्रकार के डिटेलिंग शॉप और बेकरी पे आप इसको इजीली सेल कर सकते हैं, या फिर चाय के खोखे वगैरह इन सभी पे आप इसको सेल कर सकते हैं।
लेकिन वहीं पे अगर इस केस के वगैरह आप पेस्ट्री वगैरह को सेल करना चाहेंगे तो आप इसको रिटेल स्टोर पे सेल नहीं कर सकते, आपको इनको ये पर्टिकुलर जो बेकरी वगैरह बनी होती है उन्हीं पे आप इनको सेल कर सकते हैं, या फिर बर्थडे वगैरह का जो सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स या गिफ्ट्स वगैरह केक वगैरह वहाँ पे आप उनको सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने आप से डिसाइड करना होगा कि इस प्रोडक्ट के लिए क्या मार्केट है। इवन आपके जो सीनियर होंगे वो आपकी सपोर्ट करेंगे कि आपको इस प्रोडक्ट के लिए इस प्रकार की कैटेगरी के आपको रिटेलर्स को सर्च करना है और उनसे ऑर्डर प्लेस करवाना है। अब बात करते हैं हम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर, क्या होता है सुपर स्टॉकिस्ट और क्या होता है सेल्स ऑफिसर, ASM, RSM। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने से पहले हम बात करेंगे SS की। SS होता है, वो होता है सुपर स्टॉकिस्ट। कई कंपनियों का नेशनल लेवल पे सुपर स्टॉकिस्ट होता है। माना पार्ले कंपनी है, पार्ले कंपनी ने अपने बिस्कुट को लॉन्च किया तो उसने पूरे नॉर्थ रीजन में सेल करने के लिए सबसे पहले एक एक ऐसे आदमी से डील किया जो पूरे मार्केट को, जैसे मान लिया चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू हो गया, उन सभी एरियाज में माल को भेजकर डिस्ट्रीब्यूटरों को सप्लाई करवा सके। उसका एक फिक्स अमाउंट में उसको एक मार्जिन दिया जाएगा, मान लिया उसको 3% मार्जिन दे दिया गया। अब प्रोडक्ट की वैल्यू थी 100 रुपये, 100 रुपये में से 50 रुपये के आसपास उसको रिटेलर के लिए बचाना होता है, क्योंकि सबसे आखिरी में जो प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूमर के लिए ही होता है। कंज्यूमर से पहले रिटेलर के पास उसके पास स्टॉक में बना रहता है, तो उसके लिए कितने भी दिन लग सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन हमेशा रिटेलर को दिया जाता है। मान लेते हैं हम रिटेलर मार्जिन को हटा देते हैं। अब बात करते हैं हम इस प्रोडक्ट के साथ साथ, जैसे ही SS को बनाया जाता है, SS सबसे पहले कोशिश करता है कि मेरे जानकारी में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जाए ताकि इसकी सेल स्टार्ट की जा सके। मान लिया दिल्ली का जो SS बना है उसने सबसे पहले हरियाणा में सप्लाई चालू की, हरियाणा में उसने गुड़गांव में अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी नहीं कि SS ही बनाएगा, उस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी का SO भी बना सकता है, कंपनी का RSM भी बना सकता है, ASM भी बना सकता है, और इवन जो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो भी बना सकता है। बस आपके रिलेशन देखे जाएंगे कि कितने अच्छे हैं, क्योंकि इसमें उसको पेमेंट करना होता है, पेमेंट के अगेंस्ट में प्रोडक्ट उसको दिए जाते हैं जो उसे बेचने होंगे, और उसके अगेंस्ट में मार्केट से पेमेंट लेके आएगा और ये रेवोल्यूशन चलता ही रहेगा और सेलिंग होती रहेगी बैक टू बैक। अब बात करते हैं हम SS ने डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया। डिस्ट्रीब्यूटर को एक फिक्स मार्जिन दिया जाता है, SS से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि SS केवल डिस्ट्रीब्यूटर को ही माल सप्लाई करता है, वो रिटेलिंग नहीं करवाता है। SS से माल जब डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको मार्केट में लॉन्च करता है। मार्केट में लॉन्च करने के लिए वो अपना खुद का बंदा भेजता है साथ में, क्योंकि उसका जो पर्सन है वो ज़्यादा नॉलेज रखता है मार्केट की शॉप्स की एज कम्पेयर टू एक फ्रेशर के अगेंस्ट में। जब फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव उसके साथ में जाएगा उसको उस एरियाज की सभी दुकानों के बारे में पता चल जाएगा। मान लिया उसने 40 दुकानें की, 40 दुकानों में फ्रेश, क्योंकि वो तो फ्रेशर था, उसके साथ में जो पर्सन गया था उसके साथ उस सभी दुकानदारों से उसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवा के आता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो रिपीट ऑर्डर के लिए जाए तो वे पर्सन उसको इजीली ऑर्डर दे सके। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव को कंटिन्यूस रूटीन में अपना एरिया सर्च करना होता है, उसको हम बीट प्लान बोलते हैं कि आज उसको इस एरिया में जाना है, आज उसको इस एरिया में जाना है। ज़्यादातर कंपनियों का 40 की एक एवरेज शॉप कैटेगरी होती है, मीन्स अगर हम कहें कि उसको 40 दुकानों पे विजिट करना ही होगा। कोई भी कंपनी होती है उसकी पहली डिमांड यही होती है कि आप कितनी शॉप्स पर विजिट करते हैं। अगर आप 40 शॉप से विजिट करेंगे तो इजीली आपको 15 शॉप पे आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। 15 अगर शॉप्स पे आपका ऑर्डर लग जाता है तो नेक्स्ट डे आप मान के चलिए आपके 12 से 13 सप्लाई इजीली हो जाएगी, जिससे नेक्स्ट टाइम कुछ अगर कंपनी न्यू है तो उसके लिए आपको हर 7 दिन 15 दिन के आसपास आपको सेम दुकान पे आकर रिपीट ऑर्डर लगाना होगा। अगर कंपनी पुरानी है और अच्छी स्टेब्लिश है तो उसमें वीकली विजिट रहती है बीट प्लान की। आइए बात करते हैं अब बीट प्लान की। बीट प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, RSM या फिर डिस्ट्रीब्यूटर मिलके प्लान करते हैं कि मैं अगर माना डिस्ट्रीब्यूटर मंडे को सप्लाई नहीं करता क्योंकि संडे की छुट्टी थी, अगर वो ट्यूसडे को जो सप्लाई करना चाहेगा उसका प्लान वो आपको पहले से बता देगा कि मान लिया मैं सेक्टर 14 में सप्लाई करूंगा, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो मंडे की बीट हो
आप सेक्टर 14 की ही रखें और उसकी आसपास की सभी दुकानों को कवर करें। तो बिट प्लान इसी प्रकार से डिजाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर आप डिजाइन करते हैं कि एक दिन आगे की डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई किस एरिया की रहेगी, उसके अगेंस्ट में बैक डेट में आपको उस एरिया को कवर करना होता है। पूरा वीक अगर कंपनी न्यू है तो 15 दिन का प्लान बनेगा, और कंपनी अगर वेल स्टेब्लिश्ड है तो 7 डेज का प्लान बनेगा, क्योंकि 7 डेज में आपको अगर मार्केट से प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है तो वेल एंड गुड है कि आपको हर 7वें दिन पे जाके ऑर्डर आपको अच्छा ऑर्डर मिलता रहेगा। अगर कंपनी न्यू है तो उसका कंजप्शन का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, इसके लिए आपको अपनी बीट प्लान को थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए ही बनाना होता है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवरेज करें, और इसमें छोटी दुकानों को भी कवर करना है, ना कि बड़े सुपर स्टोर को, क्योंकि सुपर स्टोर से आपको वन टाइम ऑर्डर मिल जाएगा, मंथली एक ही बारे में आपको कंप्लीट ऑर्डर मिल जाएगा पूरे महीने का, लेकिन उसमें आपका लॉस ये है कि एक बार बल्क में माल टेक देने से अगर वहाँ कंजप्शन नहीं होगा तो वहाँ एक्सपायरी होने के चांसेस ज़्यादा है। अब बात करते हैं फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा। अगर बिट प्लान रेडी हो गया है उसको कंटिन्यूस, पहले अगर कोई स्टार्टअप में जॉब करता है सबसे पहले उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सन के साथ जो उसका फील्ड में काम करता है उसके साथ उसको जाना होगा, उसको मार्केट में शॉप्स को देखना होगा, सभी हर रोज उसको 40 शॉप विजिट करनी होगी। आप 40 से कम ना करें, 40 से कम करेंगे तो आपके ही ऑर्डर में इशू आएगा। कोशिश करें 40, क्योंकि जो फ्रेशर है उसके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा है मार्केट में, तो सबसे पहले उसे फोकस करना होना चाहिए कि मैक्सिमम विजिट उसको करते रहना है मार्केट में, उसको किसी की जैसे साथी है उसकी बातों में ना आकर कि कम दुकानें करेंगे तो हमारे पर बटन कम रहेगा, नेक्स्ट डे ऑर्डर ले लेंगे, ये एक धक्यानुसी बात है। और आपको फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से सीखें, ताकि आप अपने अगर नेक्स्ट जॉब भी चेंज करें, अगर मान लिया 1 साल से 1.5 साल के अंदर एक अच्छी हाइक मिले और कंपनी रोल पे आप सेलेक्ट हों, सबसे पहले आपका इन्फॉर्मेशन गैदर करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं वर्किंग कैसे रहेगी। जब फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सन के साथ मार्केट में विजिट करेगा तब उसको समझ आएगा कि ये मुझे 40 शॉप पे विजिट करना है। आप कोशिश करें सभी दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर ले लें, क्योंकि इससे पर्सनल आप उनको जैसे उनके बर्थडे मैसेज कर दिया, रेगुलर मैसेज कर दिया, न्यू स्कीम आ गई वो आपको मैसेज कर दिया, तो आपका एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड होगा जिससे फ्यूचर में आपको बल्क ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मान लिया आज सोमवार है, सोमवार को आपको मॉडल टाउन की विजिट करनी है, आपने मॉडल टाउन की विजिट किया, 40 शॉप पे आप एंट्री किए, 40 शॉप पे आपने एंट्री की, सभी पर आपने कैटालॉग्स के कैटालॉग्स कंपनी की कंप्लीट डिटेलिंग प्रोडक्ट शीट है जिसमें आप दुकानदार को बता देखें मैं हमारे ये प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट पे इतनी इतनी स्कीम। जब आप प्रोडक्ट की स्कीम के अकॉर्डिंग उसको दिखाएंगे तब आप पाएंगे कि सभी प्रकार के ऑर्डर्स के ऑर्डर न लगे, कुछ स्पेशल कैटेगरी के ही ऑर्डर लग रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब जैसे ही आपका माल किसी दुकान पे चला जाएगा तभी तो वो बिकेगा, अगर आप माल को भेजेंगे नहीं तो बिकेगा कैसे। कोशिश कीजिए ऑर्डर छोटे ऑर्डर लीजिए स्टार्टिंग में, बहुत बड़े ऑर्डर ना लीजिए, कंपनी नई है तो बिल्कुल भी नहीं बहुत बड़ा ऑर्डर ना लें, इससे कंपनी को और आपको भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि अगर किसी ने बल्क ऑर्डर दे दिया नेक्स्ट विजिट पे वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि प्रोडक्ट अगर कंज्यूम होगा ही नहीं तो वो करेगा क्या, और वो प्रोडक्ट धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ चला जाएगा। मान लिया उसने 40 शॉप्स की 15 दुकानों पर उसको ऑर्डर मिल गया, शाम के फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव को अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे मिलना होगा जब ज़्यादातर टाइम रहता है 4 बजे से लेकर 5 बजे का, वहाँ पे उसको अपने सभी ऑर्डर्स को, मान लिया गुप्ता जनरल स्टोर से उसको ऑर्डर मिला 6 प्रोडक्ट्स का, वो बिल इनवॉइस बनवाएगा ताकि वो इनवॉइस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे माल निकाल कर डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करवा सके टाइमली। आपको नेक्स्ट डे आप जैसे आपको 15 ऑर्डर 15 के 15 आपने बिल बनवाए, 15 के 15 आपके बिल कट चुके हैं, अब आप अपने घर पे या अपनी जो डेली शीट रहेगी उसको अपडेट करें, और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपका जो कंपनी का ग्रुप रहेगा, ज़्यादातर कंपनी आज के टाइम ऐप बेस्ड काम करती है इसलिए आपको इतना इशू आएगा नहीं कि आपका डेली सेल्स मॉनिटरिंग होती रहेगी, अपने ग्रुप में शेयर करें और अपना डे को ईओटी करें, एंड ऑफ द डे करें, उसमें अपना कोई कमेंट देना हो कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है तो आप उसमें सभी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई ये स्कीम में इशू आ रहा है कि ये स्कीम मैं दे रहा हूँ, आपको क्या क्या मॉनिटर करना है नेक्स्ट डे। मान लिया आपने 15 ऑर्डर लगाए 15 ऑर्डर, अब आपको नेक्स्ट डे जो सबसे पहले कन्फर्म करना है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर ने सभी इनवॉइसेज बनाई है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने इनवॉइस नहीं बनाई है या किसी की पेमेंट का इशू है तो सबसे पहले कंफर्म करें
क्योंकि अगर आपने ऑर्डर ले लिया है और उसका माल नहीं जा रहा है तो फ्यूचर में उस कस्टमर रिटेलर का आपके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, क्योंकि किसी ने आपके ट्रस्ट पे आपको टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया है कि मेरे को ये कल तक मिल जाएगा ताकि मैं इसको सेल कर सकूं। तो सबसे पहले कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें कि सर किसी का कोई पेमेंट इशू तो नहीं है जिसकी वजह से उसका ऑर्डर पेंडिंग रह जाए। जैसे ही आपके मान लिया कि डिस्ट्रीब्यूटर का कोई इशू नहीं है और उसने सभी ऑर्डर काट दिए हैं और ऑर्डर के अकॉर्डिंग माल निकाल दिया है, अब उसका चेक करें क्या सप्लाई प्रॉपर हुई है। इवनिंग में डिस्ट्रीब्यूटर से पूछें कि सर मेरे कल 15 ऑर्डर थे, क्या 15 ऑर्डर की सप्लाई हो गई। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोई कंसर्न बताता है तो आप उसको मॉनिटर करें, उसको राइट डाउन करें और अपने जो सीनियर्स के साथ मीटिंग में उसको डिस्कस करें। मान लीजिए गुप्ता जी का ऑर्डर था, गुप्ता बेकरी का, उसका ऑर्डर था आपका 10,000 का, लेकिन उन्होंने सप्लाई नहीं किया क्योंकि उनके पहले के पैसे पेंडिंग में थे। तो आप उन डिस्ट्रीब्यूटर से कह सकते हैं न्यू प्रोडक्ट है और कंपनी इस चीज़ को आपको भी 21 से लेके 35 दिन तक का टाइम पीरियड दे रही है, आपको मार्केट में उधार देना होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है तो कोई भी पेमेंट आपके साथ लगाना नहीं चाहेगा। जैसे ही आपका ये रूटीन पूरा होता है तो आपको हमेशा इसी रूटीन के अकॉर्डिंग काम करना है। आज आप ऑर्डर लेके आते हैं, नेक्स्ट डे आप डिस्कस करते हैं कि मेरी कितनी सप्लाई हुई और उसका मॉनिटरिंग करते रहें। हर वीकली रिपोर्ट शेयर करें सीनियर्स को, हर 15 दिन पे शेयर करें और एक मंथली रिपोर्ट। टारगेट जो दिए जाएंगे वो आपको प्रोडक्ट के कंजप्शन के बेस पे दिए जाएंगे। मान लिया कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी आपके मार्केट में अच्छी कंजप्शन है तो टारगेट आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ज़्यादातर न्यू कंपनीज में टारगेट 1 से लेकर 3 लाख के बीच में ही होता है, जिसकी वजह से उनका इजीली टारगेट अचीव हो जाता है। कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशनशिप अच्छा रखें और डिलीवरी पर्सन से रिलेशन अपना जरूर अच्छा रखें, क्योंकि वही ऐसा पर्सन है जो मार्केट में आपके माल को लेके जा रहा है। अगर डिलीवरी पर्सन सही नहीं होंगे तो आपकी सप्लाइयाँ फेल होंगी। अगर सप्लाइयाँ फेल होंगी तो आपका टारगेट पूरा नहीं हो सकता, आप चाहे कितनी भी मेहनत करें। बात करते हैं कि किस प्रकार से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है आपको दुकानदार के साथ। सबसे पहले दुकान कोशिश करें दुकानदार के सारी डिटेल इकट्ठा कर लें कि उसकी क्या सेल अच्छी है, कौन सा प्रोडक्ट, और कोशिश करें अगर आप अपना प्रोडक्ट लगाते हैं तो अपना प्रोडक्ट का खुद से ही रिव्यू करें और बताएं कि सर हमारा ये प्रोडक्ट अभी ख़त्म हो चुका है और आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को दोबारा लगा लीजिए, इसकी कंजप्शन अच्छा है। जब आप उसको रिटेलर्स को ये सब बताएंगे तो उसको समझ आएगा कि हाँ इसके प्रोडक्ट्स की मार्केट में वैल्यू है, कंजप्शन अच्छी हो रही है, तो इसका मुझे नेक्स्ट ऑर्डर लगाने में